कांग्रेस पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट लेने की हमको कांग्रेस पार्टी से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में उत्तराखंड में थी, विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हुई और मंत्रियों की तरफ से हम मुख मोड़ लेंगे, जितना धन मंत्री कमाना चाहे कमा लें, इस तरह की जो बात कही वो कांग्रेस के जमाने में कही, उनके जिम्मेदार लोगों ने कही, उनको कोई प्रश्न करने का हक नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल आर्मी जैसा पैटर्न है, जैसे सर्वोच्च कमांडर किसको किस समय सीमा पर लगा देते हैं और उसके पीछे कब फौज कर दें ताकि वो उसको कवर करते रहे, जरूरत पड़ी तो कवर फायर करके उसको पार भी कर दे। तो इस तरह से जैसे होता है, उसी तरह से हमारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सेना की तरह से है। तो किसकी ड्यूटी यहां लगाते हैं, किसकी ड्यूटी वहां लगाते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए ही कमांडर सीमा पर सेना को भेजते हैं। उसी तरह से पूरे देश की सीमा, प्रदेश की सीमा जो हमारी है, इसकी सुरक्षा करना, यानी कि यहाँ की जनता की सुरक्षा करना, उनकी बेहतरी का ख्याल रखना, ये पहला हमारा कर्तव्य है। जनता की सुरक्षा और बेहतरी में कहीं पर भी कमी नहीं आने दी जाती है, ये पहला भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर हम, इस सिद्धांत पर पार्टी आज तक चलती आई है, जब से इसका जन्म हुआ है। इसलिए मैंने कहा ना कि कांग्रेस, मैंने कह दिया ना है कि हम जितनी सीटें पिछली बार लाए थे, यानी कि 57 सीटें, उससे भी ज्यादा सीटें इस बार लाएंगे। कांग्रेस को मार्च में जिस समय वोटिंग के बाद गिनती हो रही होगी, उसको उसका उत्तर मिल जाएगा।